हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर बोर्ड्स। पिछला लेक्चर में हम लोग कार्शॉफ्स लॉ और उसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे एक करेंगे एग्जांपल, ओरिजिनल वाला एक एग्जांपल करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे पुराने वीडियो मतलब कार्शॉफ्स लॉ के बारे में जो डिस्कशन है वो आप नहीं देख चुके हैं, लेक्चर 7 आप नहीं देख चुके हैं, तो आप उसको जरूर पहले देखिए, उसके बाद ये लेक्चर 8 देखिए। यह है एक कार्शॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम। तो पहला हमें क्या करना पड़ेगा, हम मार्किंग करना पड़ेगा। तो हम मार्क कर दिए ए बी सी डी ई एफ, ऐसे हम मार्किंग कर चुके हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फाइंड द जंक्शंस। यहाँ पे देखिए, मार्क द करेंट्स आई वन आई टू आई थ्री एक्सेट्रा एंड सिलेक्ट जंक्शन पॉइंट। तो हमें जंक्शन पॉइंट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जंक्शन कहाँ पर है, बी और ई पे, क्योंकि ये एक ब्रांच आके मिला है बी पे, बी ई एक ब्रांच है और बी सी डी ये एक ब्रांच है। तो हम मान लिए है बी को हमारा जंक्शन पॉइंट, क्योंकि बैटरी से करंट आके यहाँ पे मिलता है, इस बैटरी से यहाँ पे मिलता है, इस बैटरी से आके यहाँ से निकलता है, तो बी है एक जंक्शन पॉइंट। तो हमें देखना पड़ेगा करंट, हमें मार्किंग करना पड़ेगा। तो ये जो बैटरी है 2 वोल्ट बैटरी से करंट किधर जाएगा, इस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। तो हम यहाँ पे I1 मार्क करते हैं, I1। इस बैटरी से करंट किधर जाएगा, ऊपर की ओर, यहाँ पे हम करंट I2 मार्क करते हैं। E3, ये जो करंट, ये जो बैटरी है 10 वोल्ट का, इस बैटरी से किधर करंट जाएगा, नीचे की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब यहाँ से निकलेगा, ये हम मार्क किए हैं I3। बैटरी वोल्टेज दिख रहा है आपको 10 वोल्ट, तो करंट किधर जाएगा, ऊपर से नीचे, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो I3 का डायरेक्शन इधर होगा। तो I1 I2 I3 मार्क कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अप्लाई KCL, हम बी जंक्शन में, जंक्शन बी में हम KCL अप्लाई करेंगे, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन है, I1 और I2 घुस रहा है, इनकमिंग है बी पॉइंट में और I3 आउटगोइंग है, मतलब I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट, I1 I2 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो अब क्या करना पड़ेगा, अप्लाई KVL। KVL के लिए हमें लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला लूप है ए बी ई एफ ए, हम इसको लूप 1 क्या है, ए बी ई एफ ए, ये वाला लूप ले चुके हैं। इस लूप में हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर EMF, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर EMF। तो इस लूप में, ये जो लूप देख रहे हैं आप, ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा EMF कौन है, यहाँ पे देखिए, ये वाला EMF है 2 वोल्ट, ये वाला EMF है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ज़्यादा है, तो 10 वोल्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पे है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट बैटरी से करंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में घूमेंगे। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I2, ठीक है, हो गया। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम घूम रहे हैं, घूमते घूमते हम 3 ओम में आए, तो 3 ओम में करंट किधर जा रहा है, हमारे दिशा की, डायरेक्शन की ऑपोजिट, हम घूम रहे हैं इधर से, और इस ब्रांच में करंट कैसे जा रहा है, हमारे ऑपोजिट जा रहा है। देखिए बैटरी का करंट इधर दिया हुआ है, करंट इधर से जा रहा है, हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों घूमेंगे, क्योंकि 10 वोल्ट जो बैटरी है, हाईएस्ट EMF, वो हमें बता दिया है हमें किधर घूमना है, 10 वोल्ट से इधर करंट निकलेगा, इधर, यहाँ से इधर, तो इधर ही हमें घूमना पड़ेगा। तो हम घूमते घूमते आए, देखे रेजिस्टेंस में, 3 ओम रेजिस्टेंस में उल्टा करंट जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम प्लस लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, I1 इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस 3, IR, I इनटू R हो गया वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ से करंट जा रहा है I1 और इसका रेजिस्टेंस है 3, मतलब I1 इनटू 3 हो गया वोल्टेज ड्रॉप। फिर घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे, देखेंगे बैटरी, हमारे EMF जो है, EMF हेल्प नहीं कर रहा है, EMF ऑफोस कर रहा है, हम जा रहे हैं इधर करंट्स लेके और बैटरी उल्टा ओर करंट छोड़ रहा है ऊपर की ओर, मतलब ये हमें ऑपोज कर रहा है। तो इसको हम लेंगे 2 माइनस 2 हुआ। हम आ रहे हैं घूमते 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 यहाँ पे आया है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस में करंट किधर जा रहा है, इस ब्रांच में पूरा ऊपर की ओर करंट जा रहा है, मतलब हम जा रहे हैं इधर से और करंट जा रहा है ऊपर, मतलब ऑपोजिट, हम इधर से आए हैं इधर जा रहे हैं, पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, ऐसे, देखिए ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट
उल्टा है, तो इसको हम लेंगे प्लस आई वन इन टू टू। क्यों? आई वन इस पूरा ब्रांच में एक ही करंट जाएगा आई वन, और टू ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो आई वन इन टू टू वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर जा रहा है इधर, इस वन ओम में आए, वन ओम में किधर करंट जा रहा है? ऊपर की ओर, हम भी जा रहे हैं ऊपर की ओर, मतलब सेम डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस लेंगे हम। इसमें करंट कितना जा रहा है? आई टू। इस ब्रांच में पूरा आई टू करंट जा रहा है, मतलब आई टू इन टू इस रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस कितना है? वन। तो हो गया हमारा इज इक्वल टू जीरो। सब लेंगे, सब सब कॉम्पोनेंट ले चुके हैं, तो लास्ट में इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आएगा? ये आपको आएगा, तो ये आपको आएगा आई टू माइनस फाइव आई वन, आई टू माइनस फाइव आई वन इज इक्वल टू एट। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। आप इसको करेंगे तो सिंपल करेंगे तो ये आपको मिलेगा आई टू माइनस फाइव आई वन इज इक्वल टू एट। ये है दो नंबर इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। आई वन आई टू आई थ्री तीन अननोन है, तो हमें तीन इक्वेशन लगेगा। तो आई वन एंड टू मिल गया, मतलब और एक इक्वेशन मिलेगा हमको, तो हम और एक लूप लेंगे। कौन सा वाला? ये वाला लूप। तो लूप टू क्या लेंगे? बी सी डी ई बी, ये है हमारा सेकेंड लूप। तो इसको भी हम सेम प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे। तो लूप में क्या होगा? पहले हमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर ईएमएफ। यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है और 10 वोल्ट का बैटरी है, दोनों ही सेम है, तो हायर ईएमएफ कौन सा है? कोई भी लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लेंगे, पहले हम लेके 10 वोल्ट को ही लेते हैं। आप इसको भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो हम इससे लेंगे 10 वोल्ट, 10। करंट किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब हमें पूरा क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो हम जाते जाते 2 ओम रेजिस्टेंस मिला, 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना करंट जा रहा है? आई थ्री। किधर जा रहा है? हम जिधर जा रहे हैं उसी ओर आई थ्री करंट जा रहा है, मतलब माइनस आई थ्री इन टू टू। उसके बाद जाते जाते ये बैटरी मिला, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, करंट भी जा रहा है नीचे, करंट भी हमें हेल्प करेगा, करंट इधर करंट दे रहा है, करंट इधर दे रहा है, हम भी जा रहे हैं इधर, मतलब हेल्प कर रहा है, तो ई एम एफ हेल्प करेगा, तो हमें प्लस लेना पड़ेगा, प्लस 10। उसके बाद जाते जाते ये रेजिस्टेंस मिला 3 ओम, इधर इधर से करंट किधर जा रहा है? इससे इस रेजिस्टेंस के अंदर से इधर जा रहा है, क्योंकि बैटरी इधर करंट दे रहा है और हम भी घूम रहे हैं इधर से, तो सेम सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा, माइनस। कितना करंट जा रहा है इसके अंदर? पूरा ब्रांच में आई थ्री करंट है, पूरा ब्रांच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्रांच है आई थ्री करंट है, तो इसके अंदर भी आई थ्री जाएगा, तो आई थ्री इंटू थ्री वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे वन ओम में, वन ओम रजिस्टर के अंदर करंट किधर जा रहा है? ऊपर की ओर, क्योंकि इस ब्रांच में आई टू करंट जा रहा है, आई टू, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट जाएगा, तो आई टू इधर है, मतलब आई टू इधर है, ई से बी, ई से बी की ओर हम, और हम भी जा रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब सेम डायरेक्शन, तो आई वन, तो वन ओम रजिस्टर के अंदर से वोल्टेज ड्रॉप होगा नेगेटिव आई टू इन टू वन। तो सब ले लिए हम, तो इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा आई टू प्लस फाइव आई थ्री इज इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन हमें मिल गया, इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा समझ लीजिए। आई टू प्लस यहाँ से फाइव, आई थ्री कितना है? आई थ्री, इक्वेशन आई वन से मिला, आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू 20। ये आई थ्री में आई वन प्लस आई टू यहाँ से पुट किया है, तो आ जाएगा आपका फाइव आई वन प्लस सिक्स आई टू इज इक्वल टू 20। ये है फोर्थ इक्वेशन। तो आप दो और फोर को ऐड कर लीजिए, दो में, दो नंबर इक्वेशन में क्या है? आई टू माइनस फाइव आई वन इज इक्वल टू 8। चार नंबर इक्वेशन क्या है? फाइव आई वन प्लस सिक्स आई टू इज इक्वल टू 28। आप इसको ऐड कर लीजिए, तो फाइव आई वन कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका सेवन आई टू इज इक्वल टू, ऐड कर चुके हैं हम, तो 28। और आई टू आपका आएगा, और आपका आई टू आएगा कितना? 4 एम्पियर। तो ऐसे आपको आई टू मिल गया। तो आई टू का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, आई टू का कितना मिला? 4 ओम, 4 माइनस 5 आई वन इज इक्वल टू 8, मतलब आई वन आपका कितना आएगा? 5 आई वन इधर गया, मतलब आएगा आपका 4/5, माइनस 4/5 इज इक्वल टू माइनस 0.8, माइनस 0.8 आ गया आपका आई वन। माइनस साइन का मतलब क्या होगा? माइनस मतलब हम जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में आई वन सोचे थे उस डायरेक्शन में नहीं है। हम लोग आई वन किधर लिए थे? हम लोग आई वन लिए थे इधर,
ऐसे जा रहा था I1, हम सोचे थे I1 इधर जा रहा है, पर हमें जब मिला आंसर -0.8, माइनस का मतलब होता है आपका कि हम जिधर करंट लिए थे उधर नहीं जा रहा है, करंट एक्चुअली उल्टा आ रहा है, एक्चुअली करंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है I1। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये गलती नहीं है किसी कोई भी चीज़ का, ये ठीक ही है। तो माइनस अगर आएगा तो आपको समझना पड़ेगा हम लोग जो डायरेक्शन लिए थे वो रॉन्ग था, उसका उल्टा होगा। तो कोई भी इससे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर प्लस साइन आता है तो आपको समझ लीजिएगा हम लोग जो सपोज किए थे, जो हम लिए हैं करंट का डायरेक्शन उस ब्रांच में, वो ठीक है। अगर नहीं आया तो माइनस आया तो आपको समझना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन उल्टा है। तो हमें I1 भी मिल गया, I1 मिल गया, I2 मिल गया। तो यहाँ पे I1 पुट कीजिए, I1 कितना आया -0.8 प्लस I2 कितना आया 4, तो कितना आएगा 3.2, 3.2 क्या आएगा I3 का वैल्यू। तो ऐसे ही आपको तीनों इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके आपको I1, I2, I3 तीनों ही मिल जाएगा। तो आप होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपको किरचॉफ्स लॉ से एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, और मिलता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया होता है। तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ठीक तरह से आप एग्ज़ाम में आपको इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिस के बिना आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा तो हमारे चैनल का करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जितना भी लेक्चर्स है आपको सब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए, और वहाँ पे जाके आप सारे वीडियो स्टेप्स बाय स्टेप्स देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको नए नए वीडियो देने का। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सारे दोस्तों को हमारे ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।